हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर ही टिकी होंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले यह लीग बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दो महीने तक चलने वाला आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट के तीसरे मैच की, जो कि खेला जाएगा दो फॉर्मर चैंपियन टीम्स के बीच में। एक तरफ जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स है, तो दूसरी साइड हमें सनराइजर हैदराबाद दिखेंगे। इन दोनों की जब भी टक्कर होती है तो मैदान में तहलका मच जाता है। वहीं बात करें यह मैच आपको 23 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे कोलकाता का मैदान पूरी तरह क्लियर रहेगी, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें विनिंग परसेंटेज, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 60% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 163 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें, जहाँ पे टोटल मैच दोनों के बीच में 25 खेला गया है, जिसमें से कोलकाता 16 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे हैदराबाद 9 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी केकेआर का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने इस बार पूर्व कप्तान गौतम गंभीर को फिर से जोड़ लिया और रेगुलर कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस साल अपनी टीम में आ गए हैं। 2014 के बाद टीम टूर्नामेंट नहीं जीत सकी है एक भी। अब बात करते हैं जहाँ ओपनिंग में आपको फिलिप सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर जो कि खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे इंडियन प्लेयर नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे टीम को स्टेबिलिटी देंगे। वहीं अगर लोअर ऑर्डर में बात करें, जहाँ पे फिनिशिंग के लिए हार्ड हिटर रिंकू सिंह और वेस्ट इंडीज के एंड्रे रसल टीम को जीत दिला सकते हैं। वहीं बॉलिंग में बात करें, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क जो टीम को लीड करेंगे, जहाँ पे सरफेंद्र रदरफोर्ड एंड चेतन सकरिया जो कि फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती विकेट लेने की एबिलिटी भी रखते हैं। अब बात करते हैं केकेआर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फिलिप सॉल्ट है, वेंकटेश अय्यर है, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा, रिंकू सिंह है, एंड्रे रसल है, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती है, चेतन सकरिया, मिचेल स्टार्क है। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जहाँ पे रिंकू सिंह है, एंड्रे रसल है, मिचेल स्टार्क है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी एसआरएच का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने इस बार बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग फॉरनर प्लेयर में टीम में ऐड किए हैं। आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर पैट कमिंस जो टीम में अपना कप्तान बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल जो टीम के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे जो कि राहुल त्रिपाठी है, मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे एडम मक्राम, ग्लेन फिलिप्स एंड अभिषेक शर्मा टीम के प्लस पॉइंट है। वहीं लोअर ऑर्डर में जहाँ पे साउथ अफ्रीका के हिटर एनी क्लासन एंड वाशिंगटन सुंदर जो कि मैच को फिनिश कर सकते हैं। वहीं बॉलिंग में बात करें तो जहाँ पे इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर भुवनेश्वर कुमार जो टीम के लिए स्टार्ट करेंगे, पैट कमिंस जो कैप्टेंसी के साथ विकेट लेने भी अवेलेबल है, जहाँ पे फजल फारूक एंड मार्को जैनसन को मौका मिलना मुश्किल है। वहीं पे उमरान मलिक एंड चीन नटराजन जो कि पेस अटैक में है, जहाँ पे स्पिन बॉलिंग में मयंक मार्कंडे एंड वाशिंगटन वनिधु हसरंगा है। अब बात करते हैं सर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे ट्रेविस हेड है, मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी, एडम मक्राम है, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन है, वाशिंगटन सुंदर है, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार है, पैट कमिंग्स है, टी नटराजन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जहाँ पे पैट कमिंग्स है, ट्रेविस हेड है, एडम मक्राम है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। दोनों टीम फ्रेश है, चेहरों के साथ आई है, रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा पीछे है, और टीम के स्क्वाड एंड कंसिस्टेंसी को देखते हुए आज का मैच बना यहाँ पे केकेआर होगा, यहाँ पे एसआरएच को हार मिल सकते। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।